महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। फॉर्मूला के तहत कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 95 सीटें, तो वहीं शरद पवार की पार्टी से 84 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। अन्य को 6 सीटें दी गई हैं। महाविकास आघाड़ी में पिछले कई दिनों से सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच तालमेल नहीं बन रहा था। हालांकि मंगलवार को हुई बैठक में सीट शेयरिंग पर शुरू विवाद को सुलझा लिया गया है, जिसके बाद बुधवार को सीट शेयरिंग भी तय हो गए। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है और कांग्रेस को सबसे अधिक सीट दी गई है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला के अनुसार कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 95 सीटें, तो वहीं शरद पवार की पार्टी 84 सीट पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। अन्य को 6 सीटें दी गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है। खास बात यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी मुंबई में सबसे ज्यादा सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को विदर्भ में अधिक सीटें मिली हैं।